Hello students, how are you? My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि हमारी एक करंट अफेयर सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फॉर योर UGC NET Paper 1 एग्जाम. तो जैसे आपने पास्ट ईयर्स में देखा होगा कि हायर एजुकेशन टॉपिक एज वेल एज पीपल एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि वो रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करके इन सारे करंट अफेयर्स को कवर कर सकें. इसीलिए मैं रेगुलरली एक सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पे हमने जुलाई से लेकर अक्टूबर दैट इज़ इन 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो कि हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म्स में कवर किया है. सो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल अनुज जिंदल UGC NET पे जाके उसे ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी फॉर द अपकमिंग UGC NET एग्जाम. अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल अनुज जिंदल UGC NET को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको UGC NET से रिलेटेड सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें. सो आज हम अक्टूबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें कवर करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करी गई है जिसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं जो हमें चेंजेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. सो यहाँ पे हमें बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी वॉज हेडेड बाय डैश. किन्होंने हेड किया था इस कमेटी को एंड उन्होंने प्रपोज किया है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दैट इज़ नेशनल एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाए. सो मैं आपको बता दूं कि इसका पर्पज़ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए. इसीलिए एक सेपरेट नेशनल एजुकेशन कमीशन सेट किया जाए, ये रिकमेंडेशन आई है जिसका प्योरली ध्यान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट करने में एंड साथ ही साथ वो फोकस करेंगे कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिसर्च को भी प्रमोट किया जाए ताकि हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कंटेक्स्ट में हम जो कंपेयर करना चाहते हैं या आप कह सकते हैं उनसे कंपीट करना चाहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिले. सो इस पर्पस से ये कमिटी बनाई गई थी और जिन्होंने इसके हेड किया था वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. सो इनके बारे में अगर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो करेंटली ही इज़ अ चांसलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. इससे पहले वो JNU में भी चांसलर रह चुके हैं और बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो डैट वॉज द आंसर. तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट से करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली आ रहा है न्यूज़ में कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट कमिटी आप कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी की जो कमिटी है वॉज हेडेड बाय हुम. सो ये आपको याद रखना है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. According to NIRF rankings 2019, which of the below mentioned university has been rated as best university in the overall category? अब मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि रैंकिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट ईयर में रेगुलरली आते रहे हैं. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी रैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स एंड दैट इज QS रैंकिंग हो गई, आपकी फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग हो गई, NIRF रैंकिंग हो गई, ये सारी टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लें बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल जाए. यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द ओवरऑल कैटेगरी. स्टूडेंट्स कैटेगरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आपसे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन सारी कैटेगरीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करना है. तो यहां पे एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इज इट ISC बैंगलोर, इज इट JNU डेट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इज इट दिल्ली यूनिवर्सिटी और इज इट DIIT बॉम्बे. तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सालों से कॉन्टीन्यूसली ISC बैंगलोर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रह रही है और इस साल भी ओवरऑल कैटेगरी के बेसिस पे ISC बैंगलोर ने ही टॉप परफॉर्मेंस दी है या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगराइज की गई है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ISC बैंगलोर. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम नेम डैश फॉर साइंस मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स टू इन्हांस देयर स्किल. इसका मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ नोन एज प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम. उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है और इस
प्रोग्राम का एम ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स इंप्रूव कराई जाए। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा फ्रॉम द ओवरऑल कंट्री, जो कि क्लासेस होंगी 9 to 12 के बीच की, और बेसिकली इनके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा ताकि ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लर्निंग ले सकें, रियल लाइफ एक्सपोजर ले सकें। तो इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम आया है। आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, इज इट ध्रुव, इज इट अर्पित, इज इट शोध गंगा, और इज इट डी नन ऑफ द अबव। सो अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं, अगर आपने हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि अर्पित एक रिफ्रेशर कोर्स है जो कि टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए आया था। सो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए हमारा। सो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, शोध गंगा। तो मैंने आपको ये बताया था उस गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो में कि शोध गंगा एक वेबसाइट है जो पीएचडी थीसिस एज वेल एज डिसर्टेशन का ई रिसोर्स हब है। इसका मतलब ये है कि आज तक जो भी एमफिल पीएचडी हुई हैं उनकी जो थीसिस है वो इस वेबसाइट पे अपलोडेड होती है फॉर द अपकमिंग रिसर्चर्स एंड बडिंग रिसर्चर्स, ताकि वो इस वेबसाइट पे जाके थीसिस को देख सकें कि किस टाइप की थीसिस पे काम हो चुका है, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ध्रुव। सो ध्रुव इज द प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च टू इनबिल्ट अ लॉट ऑफ इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो मेंशन यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज पर QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। सो अभी मैं QS रैंकिंग के बारे में बात कर रहा था, दैट इज कॉकरली साइमंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फॉर द इंडियन कंटेक्स हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपसे स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है, क्या आपसे ग्लोबल रैंकिंग पूछी जा रही है, क्या आपसे इंडिया लेवल पर पूछी जा रही है, बिकॉज इसके बेसिस पे आंसर्स डिफर करेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट ए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, इज इट बी जाधवपुर यूनिवर्सिटी, इज इट सी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब विच इज येट वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, और इज इट डी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की रैंकिंग पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा हैज रिसीव्ड 11th रैंक एंड जाधवपुर यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड 12th रैंक। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप पे हैं, एंड सिंस हमसे पूछा गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की बेस्ट रैंक है इन टर्म्स ऑफ स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फ्रॉम 28th अक्टूबर टू 2nd नवंबर ऑन विच ऑफ द बिलो मेंशन थीम्स। सो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में आ रहा था कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा, जहाँ पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्पिरिट इन देम बेस्ड ऑन द थीम्स, ताकि उन लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके विजिलेंस के बारे में, या फिर क्या जो भी थीम है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। सो यहाँ पे हमें बताना है कि थीम क्या थी। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट ए इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, इज इट बी हैप्पीनेस द नीड ऑफ आर, इज इट सी डिजिटलाइजेशन, और इज इट डी करप्शन हटाओ देश बढ़ाओ। अब मैं आपको बता दूं कि जिसने भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ को नहीं पढ़ा होगा वो हो सकता है कि ऑप्शन ए और डी में कन्फ्यूज हो जाए, बट आपको कन्फ्यूज जन ना हो इसलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। दैट इज बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हम स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर जो भी हमारे सिटीजन हैं उनको सेंसिटाइज कर सके इंटीग्रिटी के बारे में, एंड किस तरीके से वो इस इंटीग्रिटी के एस्पेक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो मैं बता दूं कि इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्लेजेस भी अवेलेबल कराए गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट पे, जहां पे जाके आप एज अ सिटीजन एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज भी कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इंटीग्रिटी का यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में। सो ये थीम था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एग्जाम में मिल जाएं। आगे चलते हैं। विथ विच यूनिवर्सिटी हैज नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, गवर्नेंस डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखना है, पार्टनर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक थ्रू NEGD लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये NEGD कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसके अंदर आप साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज
फोरेंसिक से रिलेटेड जानकारी देंगे, चीज़ों को प्रमोट करेंगे। सो ऑब्वियसली किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया गया होगा। सो ये भी अगेन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया गया है। सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इज इट ए IIT दिल्ली, इज इट बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इज इट सी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, इज इट डी IP यूनिवर्सिटी गुजरात, और इज इट ई IIM कोलकाता। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। सो इस इंस्टीट्यूट ने जिम्मा उठाया, या आप कह सकते हैं कोलैबोरेट किया गया है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस करेगी कि साइबर लॉ से रिलेटेड चीज़ों को सिखा सकें अपनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, प्रोग्राम्स लेके आए जाएंगे, कोर्सेज लेके जाए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ताकि लोगों को साइबर लॉ क्राइम्स के बारे में पता चल सके। तो ये बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है, बिकॉज आजकल साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With which institute has Ministry of Skill Development and Entrepreneurship partnered to launch the Mahatma Gandhi National Fellowship Program to boost skill development at the district level? Students, this is a very very important question, because ये एक बहुत ही important fellowship program है, नई fellowship program है जो अभी launch की गई है October के month में, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा focus जो है वो skill development और entrepreneurship पे है, and साथ साथ rural development पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा emphasis है, और इसके बारे में आपको अच्छी काफी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आंसर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या प्रोग्राम या फेलोशिप प्रोग्राम। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर आपको 2 years कोर्स कराया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी वो होगी 50,000 rupees पर मंथ, एंड सेकेंड ईयर में जो आपको स्टाइपेंड दी जाएगी वो हो जाएगी 60,000 पर मंथ। और इस पर्टिकुलर 2 years प्रोग्राम के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप, एंड किस तरीके से आप एक नया स्टार्टअप खोल सकते हैं जो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराए, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट एरिया में। सो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जिस इंस्टीट्यूट ने के साथ कोलैबोरेट किया है, इट इज नन अदर देन IIM बैंगलोर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी IIM बैंगलोर। सो IIM बैंगलोर ये कोर्स प्रोवाइड करेगा, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के फॉर्म में सिलेक्ट किया जाएगा, एंड देन उनको 2 साल का कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन दे विल गेट अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो इस पे उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which institute has developed the first ever Indian brain atlas to study age-related effects on brain? So again, ये काफ़ी एक नया innovation था, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई थी कि आप age-related effects को कैसे देख सकते हैं, उससे related काफ़ी important चीज़ें इसके अंदर cover करी गई हैं, important information cover करी गई हैं, important facts cover किए गए हैं। और ये उपलब्धि जिस इंस्टीट्यूट ने हासिल की है वो है none other than IIIT हैदराबाद, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द 15th एडिशन ऑफ FT रैंकिंग्स ऑफ मास्टर्स इन मैनेजमेंट प्रोग्राम? अब यहाँ पे FT रैंकिंग कुछ नहीं है, वही है जिसके बारे में अभी हमने बात कही थी, दैट इज फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग मैकेनिज्म है टू रेट डिफरेंट प्रोग्राम्स। और यहाँ पे हमें बताना है कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है इसके अंदर। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल रैंकिंग भी होती है, एज वेल एज कंट्री लेवल रैंकिंग भी होती है। सो कुछ इंस्टीट्यूट्स को इवेल्युएट किया जाता है बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द कोर्स, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट, एंड उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि उनका कोर्स करिकुलम कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोर्स को इवेल्युएट किया जा रहा है, डेट इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट, जिसे आप MBA भी कहते हैं कई बार, 2 years MBA डिग्री भी कहते हैं। सो इसको बेसिकली यहाँ पे इवेल्युएट किया जा रहा है, और उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट डिसाइड किया जा रहा है। सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट IIM बैंगलोर, इज इट IIM कोटा, इज इट IIM चेन्नई, इज इट डी IIM कैलकटा, और इज इट ई IIM अहमदाबाद। सो मैं आपको बता दूं कि जिस इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम को चुना गया है, या फिर जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो है IIM कैलकटा। सो डी IIM कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल टाइम्स से रैंकिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एज वेल एज योर लास्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द QS
इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020. तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी थी कि क्यूएस इंडिया रैंकिंग इज क्वार्टरली साइमंस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग मैकेनिज्म है जो वर्ल्ड लेवल पे एज वेल एज कंट्री लेवल पे इंस्टीट्यूट्स को रैंक करता है. तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के लिए. तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से याद कर लीजिए. एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. इज इट ए IIT मद्रास, इज इट बी IIT दिल्ली, इज इट सी IIT बॉम्बे, इज इट डी IIT रोपड़ और इज इट ई IIT खड़गपुर. तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल लेवल पे जो रैंकिंग है वो तो हमारी इंडिया की बहुत अच्छी रैंकिंग ना हो, बट इंडिया लेवल पे जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है दैट इज सी IIT बॉम्बे. देन नेक्स्ट नंबर है IISc बैंगलोर का, दैट इज सेकेंड नंबर है IISc बैंगलोर का. एंड जो थर्ड रैंकिंग है इंडिया के लेवल पे वो है IIT दिल्ली की. सो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों रैंकिंग बता दी है, बट जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है वो है IIT बॉम्बे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि ये जो हमने 10 क्वेश्चंस आज कवर किए हैं करंट अफेयर्स के फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर योर UGC नेट एग्जाम. और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, हमारी चारों वीडियोज़ को देख लिया है, तो आपका काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग. अगर इसके बाद भी आपको कुछ क्वेरीज एंड कंसर्न है तो आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पर किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्ड कर दें. Till then, thank you and have a nice day.